भाई आपने पापा के प्रयोग तो ऐसे कारनामे करते हुए देखे होंगे। वैसे आज की वीडियो भी उन पापा के प्रयोग के ऊपर लाया हूँ, जिसे देखने के बाद आप भी हंसी से लोटपोट हो जाओगे। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब अपने पापा की परियों को तो ऐसे चलते हुए बहुत देखे होंगे, जिसमें वो मानती है कि मेरे ऐसा कोई नहीं है, मतलब वो एटीट्यूड दिखाती है। रुको जरा, सबर करो। इसलिए बोलता हूँ परियो, ज्यादा भाव मत खाओ, तुम्हारे टैलेंट को तो पशु पक्षी भी कॉपी करने लगे हैं। मजा आया। हमारी स्कूटी में 2 टाइप्स की ब्रेक होती है भाई, ब्रेक 2 हो या 4 लगा दो, इन परियों का ब्रेक हमेशा पैर ही होता है, जिसे लगाने के लिए 2 किलोमीटर दूर से ही चप्पल घिसना शुरू कर देती है, तब जाकर मंजिल पर सही से ब्रेक लगता है। ब्रेक नहीं है गाड़ी में। ब्रेक तो है पर चप्पल घिस गई है मेरी। भाई अब मिलो एक और पापा की परी से, जो घर से निकली थी साइकिल लेकर, लेकिन रास्ते में पता नहीं कौन सा नशा करती है, अगले ही पल मैडम चारों चित हो गई। आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा लिबर्टी से डिफेंस जाता है उसको 1 घंटा लगता है, लेकिन वही बंदा जब डिफेंस से लिबर्टी वापस आता है तो उसको 60 मिनट्स क्यों लगते हैं, इसकी वजह क्या है? पता नहीं, पापा को पता होगा, पापा के साथ आते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। रुक जा, रुक जा। भाई अब जरा इधर भी देखो, कितनी छोटी बाइक है, ऊपर से ये बंदा उसमें 4 टायर लगा दिया ताकि पापा की परी गिरे नहीं, लेकिन भाई ये पापा की परी है, जरूर उड़ेगी ही उड़ेगी। भाई इसीलिए इन परियों पर गधा भी भरोसा नहीं करता है, आप ही खुद देख लीजिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब जरा इस वीडियो को देखिए, इसमें रोड साइड एक ट्रक खड़ा है, सब लोग साइड से निकल रहे हैं, लेकिन ये पापा की परी तो ट्रक हटा के ही मानेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि पापा की परी नहीं देख पाई होगी, नहीं भाई ये पापा की परी होती ही ऐसी है। अब इसे ही देख लो, कितनी रोड खाली है, लेकिन ये पापा की परी गिर के ही मानेगी। अब जरा इस भाई साहब को देखिए, फोटो खींचने के लिए दुल्हन में सटे ही जा रहा है, लेकिन ये बात दुल्हा को पता चली तो उसने लगाया जोर का पंचा। अब ये भाई साहब को पता चल गया, कभी किसी दुल्हन का फोटो नहीं खींचेगा। अब इन परियों का तो कोई जवाब ही नहीं है। अब मिलो एक और पापा की परी से, जो स्कूटी घिसती हुई ला रही है। भैया, हाँ जी बहन जी, गेट मी सम पेट्रोल, कितने का डाल दूँ? 2-0, 200 रुपए। 2020 20 जी। अरे बहन जी, अरे रहने दो, टंकी मत खोलो, हाथ दिखाओ। और उसको भी हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। ये क्या है? मैं पेट्रोल आई हूँ। तो चुल्लू भर है? हाँ चुल्लू भर है। अब यार चाहे तो तुम स्कूटी में डालो, या मैं डूब के मर जाऊँ, क्योंकि 20 रुपए में तो इतना ही आगे। चलो निकलो। म्यूजिक। भाई यार ये बात तो सही है कि पेट्रोल काफी महंगा हो गया, इस पर सरकार पता नहीं कसम खा रखी है, पेट्रोल सस्ता ही नहीं करता। अब पेट्रोल सस्ता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में बहुत महान महान नेता है। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ 53। अरे कहना क्या चाहते हो? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। विजयी होकर आत्म भारत निर्माण के आत्म भारत
अरे कहना क्या चाहते हो? आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। समझ रहे हो ना दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी फनी वीडियो आती रहेगी।